वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं रुपाज जाट हूँ और उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा कि मेरा सारा दिन कैसे गुजरता है। और सबसे पहले तो मैं ये देखें, छोटी छोटी दो बकरियाँ मेरे पास, ये देखें, इनके लिए सबसे पहले तो मैं घास लेकर आऊँगा। तो घास कहीं से ढूंढना पड़ेगा और अब चलते हैं घास लेने। चलो तो दोस्तों, मैं यहाँ पहुँच आया हूँ, घास लेने के लिए आया था और मुझे मेरा कज़न मिल गया। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या करने आया। हाँ जी भाई, यहाँ की करना आए जी, खाला कटना है यार। थोड़ा ही उच्ची बोलो, पानी लगता पे आलू नू खाला कटना आए हैं, तो जरा उच्चा है सी नीवा करते पे पानी उच्चा लगता है। ठीक हो गया, किन्ना को टाइम हो गया तुसी ये लगे जी? 15 मिनट हो। ठीक है, 15 मिनट हो गए, और किन्ना को टाइम लगेगा इतने? 15 मिनट लगन गए। ठीक, चलो मैं देखदा भी किमें कट दे जी खाला। तो आज आपने सिर्फ ये खाला निकालना है बस, और कोई काम तो नहीं है? खाला निकालना है और पानी लग रहा है 12-13 किले पर दें, शाम पै जानी नहरी पानी लगा है। ठीक हो गया, ना मतलब मेरे भरा इन्नी उर्दू नहीं आती, तो आप पंजाबी गल कर लिए हिल हुल जाता थोड़ा बहुत, तो इन्होंने हूँ खाला कट लिया, खाला कट गया इन्होंने हूँ पानी पूनी लाना है, वाहवा टाइम लग जाना इन्होंने, शाम हो जानी इन्होंने कह मतलब। ऐसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं वो ये बहुत मुश्किल काम है और देखें तो भाई ये मेरा कजन पहले तो सही वाले में काम करता था और अब नया नया जिम्मेदारी में आया है और इनसे पूछते हैं कि ये काम कैसा करते हैं, इनको कोई थोड़ा बहुत तजर्बा हुआ या अभी तक ऐसे ही फिर रहे हैं। तो भाई आप बताएं कि आप काम क्या क्या कर लेते हैं? भजन सारे कर लेते हैं, खाद स्प्रे नको शको पानी शानी लगा लेते हैं, सारा काम ही कर लेते हैं। ठीक, और ज़्यादा थकावट कुवट तो नहीं होती? नहीं, थकावट नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये आस्ता आस्ता आदि होते जा रहे हैं। हाँ जी, तो कोई शेर वगैरह आता हो या गाना गुना? ना जी, काम च रही दा मसरूफ, अपन गाना गुना शेर शुर कोई नहीं आता। वाहवा काम में बंदे हैं जी। ठीक, तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि ये मेरा कज़न नया नया जिम्मेदारी में आया है और इसने हिस्से पे रखी है ना जमीन? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसने हिस्सा रखा है यहाँ पे और इनसे पूछते हैं कि कितनी जगह हिस्से पे रखी है। तो भाई बताएं कितनी जगह रखी है आप? 18 किले आलू है जी, 3 किले मक्की है। ठीक है, ये सारे आलू आपके हैं? हाँ जी, हाँ। ठीक, मक्की कहाँ पे? वो सामने मक्की है। अच्छा, ठीक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वो देखें मक्की नज़र आ रही है आपको, मकई को मक्की कहते हैं सारे बच्चे फिर भी होंगे। तो और सब ठीक है? हाँ जी, ठीक ठीक, चलो ठीक हो गया। दोस्तों हमने इनसे मुलाकात कर ली है और अब मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आया हूँ घास काटने, और चलो अब घास काटते हैं। We'll be right back.